देख फरियाद न कर, सर न झुका, पांव उठा। कल को जो लोग करेंगे तू अभी से कर जा। नाचते नाचते आज़ादी की खातिर मर जा। मंजिले इश्क में मर मर के जिया जाता है, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, जागीरदारो सरमायादारो जनरलो ब्यूरोक्रेटो, और अब तो जज साहबान भी हमारी मजदूरों की दरख्वास्त ही नहीं सुनते। वो पीसी वाले भी मर रहे हैं, रेलवे वाले मर रहे हैं, मोदी। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा हुजूम। चारा घर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर, तुम नहीं चार अगर, कोई ही माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इनकलाबी शायर हबीब जालिब की बरसी के सिलसिले में 27वां जलसा आर्ट्स कौंसिल कराची में मुनक्किद हुआ, जिसमें अदबी, सियासी, समाजी और मजदूर रहनुमाओं ने शिरकत की। हसबे मामूल इस जलसे में भी अमन अवार्ड दिया गया, अमन अवार्ड मारूफ गया। तकरीब में मारूफ शायरा और नसर निगार फातिमा हसन और बुलंद कामित शायर और नसर निगार महमूद शाम ने हबीब जालिब पे मुकाला पढ़ा और मारूफ शायर मुहक्किक और नसर निगार अकील अब्बास जाफरी ने मोहतरमा आसमा जांगीर पे मुकाला पढ़ा। मैंने जालिब को उनके इनकार से पहचाना। इनकार में बड़ी ताकत होती है, और जब वो इनकार हमारे दिल की आवाज़ भी बन जाए तो उसकी गूंज सारी उम्र साथ चलती है। वतन में हालात जिस रुख पर चल निकले हैं, तारीख के जबर और जुग्राफिया के तशद्दुद ने 22 करोड़ इंसानों को जिस बंद गली में ला खड़ा किया है, वहाँ हर शहर, हर गांव, हर राह गुज़र किसी हबीब जालिब को पुकार रही है। पट्टी थी पाकिस्तान का आइन ये कहता था कि औरत की शादी के लिए उसकी मर्ज़ी हो या ना हो, सरपरस्तों की मर्ज़ी लाजमी है, और ये बात भला आसमा जहांगीर को कहाँ बर्दाश्त होती। उन्होंने अदालत से पाकिस्तान की औरत को उसका आइनी और मजहबी हक दिलवाया कि वह अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकती है। मुकर्ररीन का कहना था कि मौजूदा हालात माशरे से एक और हबीब जालिब का तकाजा कर रहे हैं, जो मुफलिसों, मोहताजों और मजदूरों की आवाज़ बनकर ऐवानों में गरजे। कैमरामैन मुदस्सर नज़र के साथ मुसव्वर अली बलोच, सलामती न्यूज़, कराची।